इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैथिली त्रिपाठी और हम आपके लिए लेके आए हैं दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में 222 खबरें। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र को कार में किडनैप करने की कोशिश की गई। झंझाड़ा इलाके में लड़की घर से ट्यूशन पढ़ने निकली, तभी दो लड़कों ने उसे किडनैप कर दिया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना घर वालों को दी, फौरन पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने लड़की को लेकर भाग रही कार का पीछा किया, रोकने के बावजूद भी नहीं रुकी कार। पुलिस ने कार के टायर में गोली मारी, छात्रा को लड़कों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने अगवा करने वाले दोनों लड़कों को हिरासत में लिया। दिल्ली के गोकुलपुरी में बदमाशों ने एक दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने दुकान पर बैठे 24 साल के इरशाद पर दो गोलियां चलाई। इरशाद को गोलियां नहीं लगी तो बदमाशों ने चाकू से हमला किया। घायल इरशाद को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इरशाद के मुताबिक पुरानी रंजिश की वजह से उस पर हमला हुआ। दिल्ली के ज्योति नगर में दो एटीएम धू कर जल गए। एटीएम के साथ लाखों रुपए भी जलकर खाक हो गए। कल ही दोनों एटीएम में कैश भरा गया था। देर रात गार्ड ने एटीएम से पहले धुआं उठते देखा, फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले ही एटीएम में आग भड़क चुकी थी। दिल्ली पुलिस के एसीपी पर हमला करने वाले आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दो में से एक नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल होम भेजा गया है। गुरुवार को आरोपियों ने एसीपी अहमद सिंह की कार में टक्कर मारने के बाद उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। दिल्ली के मुनेरका में मिजोरम के एक लड़की की हत्या के मामले में नया मोड़ आ चुका है। लड़की के बॉयफ्रेंड वीरेंद्र ने वारदात की रात की पूरी कहानी अपने दोस्त दिनेश को बताई थी। दिनेश ने बताया कि वारदात के बाद रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक वीरेंद्र उसके साथ था। वीरेंद्र ने दिनेश को बताया कि गुरुवार की रात उसके कमरे में शराब पार्टी हुई थी। कमरे में वीरेंद्र, जूलियट के अलावा एक और लड़की थी जो रात 9 बजे वहां से चली गई। उसके बाद जूलियट किचन में गई, काफी देर तक नहीं लौटी। वीरेंद्र ने दोस्त को बताया कि वो किचन में गया तो वहां खून ही खून था। वीरेंद्र ने यह भी बताया कि जूलियट के शरीर पर कई जगह कटे हुए निशान थे। वीरेंद्र के मुताबिक जूलियट फिलहाल बेरोजगार थी और डिप्रेशन में थी। वीरेंद्र ने यह भी बताया कि जूलियट पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। मुनिरका इलाके में गुरुवार रात जूलियट का खून से सना शव उसके घर में मिला था। जूलियट के कत्ल के आरोप में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। जूलियट की हत्या के बाद वसंत विहार थाने के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के ज्योति नगर में तेज रफ्तार एक कार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। बेकाबू कार ने पहले एक रिक्शा और टेम्पो को टक्कर मारी, फिर बस स्टैंड पर खड़े बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में दो लोग घायल भी हो गए, दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों कार सवार को हिरासत में लिया, दोनों शराब के नशे में थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ट्रेनी आईपीएस पर अपने जूनियर को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। पुलिसकर्मी की आंख पर चोट आई है, हालांकि पीड़ित पुलिसकर्मी पिटाई की बात से इनकार कर रहा है। पुलिस मामले को दबाने में लगी है, हालांकि कैमरे के पीछे पुलिस वाले पिटाई की बात कबूल रहे हैं। लखनऊ में एक ज्वेलरी शॉप में शातिर महिला चोरों ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। लाखों की ज्वेलरी चुराने वाली महिलाओं ने शर्ट और पैंट और टोपी पहन रखी थी। चोरी के वक्त एक महिला ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा, दूसरी ने मौका देखकर ज्वेलरी उठा ली। महिला ने गैलों को अपने कपड़े में छुपा लिया और चुपके से दोनों बाहर चलती बनी। ये वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। अहमदाबाद में 12वीं क्लास की एक छात्रा ने प्यार में धोखा पाने पर सुसाइड कर लिया। लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसकी निजी तस्वीरें फेसबुक पर डाल दी, जिससे वो आहत हो गई। बॉयफ्रेंड की हरकत से आहत लड़की ने साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। लखनऊ में संघ की 3 दिनों की बैठक आज दूसरा दिन है। पहले दिन कल बैठक में लव जिहाद समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में धर्म परिवर्तन, हिंदुत्व, गौ हत्या, सीमा सुरक्षा जैसे कई मुद्दे भी उठे। कल मीटिंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा 400 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन की मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी शिरकत की। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। होसबोले ने कहा कि मोदी सरकार के पास मंदिर बनवाने के लिए 2019 तक का ही वक्त है। आज संघ की बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन हो सकता है। लखनऊ में मौजूद अमित शाह देर रात पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। दफ्तर पहुंचते ही शाह को माला पहनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। पार्टी दफ्तर में अमित शाह ने यूपी के नेताओं के साथ मुलाकात की। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने सीएम पद के लिए दावेदारी पेश की है।
महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत मिलने की स्थिति में पंकजा ने सीएम बनने की इच्छा जताई। पंकजा ने कहा कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बने। पंकजा मुंडे ने कहा कि सीएम के लिए उनका नाम आया तो वो खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को सीमा पार से जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाक सैनिकों ने ऑटोमेटिक हथियारों से भारतीय चौकी को निशाना बनाया। पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में हुई फायरिंग का भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इधर जम्मू के अस्पताल में पाकिस्तान की फायरिंग में जख्मी एक शख्स ने दम तोड़ दिया। इस मौत के साथ ही जम्मू में पाकिस्तान की फायरिंग से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। शुक्रवार को पीएम ने वॉर रूम में मंत्रियों, अफसरों और टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की। इस अहम बैठक में पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन की हरकत से निपटने की रणनीति बनाई गई। पीएम ने कहा कि पाक को मुंहतोड़ जवाब दो, जरूरत पड़ने पर आमने सामने की लड़ाई के लिए भी तैयार रहो। पीएम ने कमांडर्स से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करने की भी बात कही। टॉप कमांडर्स के साथ हुई बैठक में चीन से बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में सीमा पर और सैनिकों की तैनाती पर भी फैसला किया गया। इस अहम बैठक में अलकायदा आईएसएस आतंकियों के हमले से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की देश के टॉप कमांडर्स के साथ ये पहली बैठक थी, जिसमें तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा 50 टॉप के आर्मी अफसर भी मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में हुई बैठक में बीएसएफ के डीजी, एनएसजी के डीजी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद रहे। मोदी सरकार ने विदेशों में काला धन जमा करने वालों का नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। सरकार ने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए कहा कि विदेशों के साथ दोहरे कराधान के समझौतों का उल्लंघन होगा। सरकार ने कहा कि अगर हम नाम सार्वजनिक करते हैं तो कोई भी देश भारत के साथ समझौता नहीं करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के विदेशों से किए समझौते की वजह से हम नाम नहीं बता सकते। जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने 1995 में जर्मनी के साथ समझौता किया था। कांग्रेस ने काले दिन पर केंद्र के स्टैंड को दोहरा मापदंड करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि झूठे आश्वासन के लिए पीएम को माफी मांगनी चाहिए। काले दिन पर केंद्र के स्टैंड पर याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि एनडीए सरकार भी यूपीए के रास्ते पर चल रही है। जेठमलानी ने कहा कि मोदी सरकार काला धन रखने वालों को बचाने की कोशिश कर रही है। जेठमलानी ने डबल टैक्सेशन कानून में संशोधन का विरोध करते हुए पीएम को पत्र भी लिखा। पुणे के एयरपोर्ट पर 24 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार यात्रियों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। यात्रियों को दूसरे प्लेन से रवाना किया गया। यह उड़ान बुधवार की रात 9 बजे की थी। तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर उड़ान को दो बार कैंसिल किया गया। यात्रियों का आरोप है कि एयर इंडिया की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। उड़ान के इंतजार के दौरान यात्रियों को गुस्सा भी फूटा। लोग रनवे के पास धरने पर भी बैठे। गुजरात के वडोदरा में एक नाबालिग लड़की पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माता पिता की हत्या का आरोप लगा। हैरानी की बात यह है कि लड़की ने 2 महीने तक माँ बाप की लाश को घर में छुपाए रखा। लड़की लाश पर एसिड और केमिकल डालती रही ताकि लाश गले ना, लेकिन 2 महीने बाद खुलासा हो गया। आरोपी की लड़की के माँ बाप ने उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने से रोक दिया था। इसकी वजह से लड़की ये कदम उठाया। लड़की ने पहले अपने माँ बाप को खाने में नींद की गोलियां दी, फिर चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी। जब मृतक के रिश्तेदारों को शक हुआ तो उन्होंने उनके घर जाकर जांच की, जहां दोनों की लाश बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की नाबालिग है लेकिन लड़का बालिग है। हरियाणा के सोनीपत में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव पंखे से लटके हुए मिले। घर में मां बाप और बेटी की लाश मिली। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। असम के कर्बी ओंगलोंग जिले में राष्ट्रीय स्तर की एथलीट को डांग कहकर उसकी पिटाई कर दी गई। एथलीट देवयानी बोरा को प्रार्थना घर में खंभे से बांधकर पीटा गया। एक मंदिर के पुजारी ने कथित तौर पर देवयानी बोरा का डांग बताया। पुजारी ने दावा किया कि लोगों की समस्या के लिए देवयानी जिम्मेदार है, जिसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, कुछ की तलाश जारी है। देवयानी ने जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते हैं। मलेशिया में एक इंटरनेशनल इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका चयन भी हुआ था। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 100 क्रूड बम मिलने से हड़कंप मच गया। ये बम एक खेत में छिपाकर रखे गए थे। बम स्क्वाड की टीम ने बमों को डिफ्यूज किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सिंचाई विभाग के एसडीओ के घर छापे में 31 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। राजेश गुप्ता ने घर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा। घर से 25 तोला सोना, 1 किलो चांदी भी बरामद हुई।
छापेमारी में दो आवासीय प्लॉट, एक मकान, क्रश 4.5 एकड़ की खदान और 10 लाख के किसान विकास पत्र भी मिले। सिंचाई विभाग के एसडीओ राजेश गुप्ता कवर्धा जिले में तैनात है। एंटी करप्शन ब्यूरो को राजेश गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर छापेमारी में 32 लाख कैश बरामद। लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की, घर से सोने चांदी के करोड़ों के जेवरात, सिक्के और बर्तन भी मिले। नवल सिंह के घर से सोने के कई बिस्किट भी मिले जिसकी कीमत करोड़ों में है। नवल सिंह के घर से 8,000 स्क्वायर फीट के बंगले, धार में 2 मंजिला मकान के कागजात मिले। इतना ही नहीं, 4 प्लॉट, पेट्रोल पंप और सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन के दस्तावेज भी मिले। नवल सिंह के खिलाफ लोकायुक्त को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता आज बेंगलोर सेंट्रल जेल से रिहा होंगे। दिवाले से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद जयललिता को जमानत दी थी। जयललिता 27 सितंबर से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को 2 महीने की सशर्त जमानत दी है, 18 दिसंबर तक सजा पर रोक भी लगा दी है। जमानत देते वक्त ये शर्त रखी गई कि वो अपने समर्थकों से राज्य में हिंसा न करने की अपील करेंगी। जयललिता को चेतावनी दी गई है कि हिंसा होने की स्थिति में उनकी जमानत रद्द हो सकती है। जयललिता को निचली अदालत के दस्तावेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके 18 दिसंबर तक जमा करने हैं। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। आय से अधिक संपत्ति केस में बैंगलोर कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी। जमानत की खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में जयललिता समर्थक वकीलों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उधर चेन्नई में AIADM के समर्थकों ने जयललिता के घर पर जश्न मनाया। शुक्रवार को सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को बड़ी राहत मिली। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हवाला कारोबारी मोइन खान से सिन्हा का कोई रिश्ता नहीं है। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के हवाला कारोबारी मोइन खान से संबंध है। मुकुल रोहतगी ने जिस पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के बारे में इशारा किया वो एपी सिंह है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मोइन खान केस में इनकम टैक्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मोइन और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह की बातचीत के टेप भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा को नोटिस जारी किया। आप पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने अलका लांबा पर मानहानि का केस किया है। कोर्ट ने अलका लांबा सहित आपके 3 नेताओं और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को। दिल्ली के धौलाकुआ गैंगरेप केस में सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। द्वारका कोर्ट में सजा को लेकर दोनों पक्षों में जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। मामला 2010 का है, कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों को अगवा करके गैंगरेप किया गया था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम शाहदरा के नॉर्थ जोन की बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा 17 महीने से वृद्धा पेंशन न बांटने को लेकर हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीबों की दिवाली काली करने पर तुली है। हंगामा इतना बड़ा कि डिप्टी चेयरमैन को मीटिंग से भागना पड़ा। लखनऊ दिल्ली के बीच जल्द ही डबल डेकर ट्रेन का सफर शुरू हो जाएगा। आज ट्रायल रन के लिए ट्रेन को दिल्ली के आनंद विहार से लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा। कल लखनऊ से आनंद विहार के बीच ट्रेन का ट्रायल रन सफल रहा था। ट्रायल रन के बाद रेलवे 15 दिन बाद इसकी रिपोर्ट देगा। उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में डबल डेकर का सफर शुरू हो जाएगा। ट्रेन बरेली और मुरादाबाद के रास्ते आनंद विहार पहुंचेगी। एक कोच में करीब 110 सीटें होंगी। ये ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी। ट्रेन सुबह लखनऊ से दोपहर तक दिल्ली पहुंचेगी, फिर कुछ देर बाद लखनऊ कूच करेगी। सीएम अखिलेश यादव ने मंत्रालय से ट्रेन को इसी रूट पर चलाने की सिफारिश की थी। आज चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाने वाली है। चुनाव आयोग की टीम राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए हालात का जायजा लेगी। इलेक्शन कमीशन की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत की अगुवाई में कश्मीर जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में दिसंबर में चुनाव करा सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 1 दिन के लिए अमेठी जा रहे हैं। राहुल गांधी जगदीशपुर के पूर्व विधायक राम सेवक की 13वीं में शामिल होने जाएंगे। रेप के मामले में जेल में बंद राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। जयपुर का सेशन कोर्ट महिला से रेप के आरोपी बाबूलाल नागर की अर्जी पर सुनवाई करेगा।
नागर ने अगले महीने बेटी की शादी का हवाला देकर जमानत देने की गुहार लगाई है।